ये रचना, ये कार्तिक, ये यतीश, ये हिमांशु, ये प्रदीप और ये मैं हो रही है, और ये मैं हमारी पारी हो रही है। हेलो हेलो, सर जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल? बोल रहा है नैनीताल वाला ये पागल। सर कार्तिक बेस्ट, सर आई लव यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे और बड़े रहना। बाकी अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11, और अभी मैं, सूरज और भाई लोग अभी जा रहे हैं घूमने, सब आगे से जा रहे हैं। बाकी दो दिन से शादी वादी में बिजी थे तो कहीं जा नहीं पाए थे, और सूरज बेचारा यहाँ के बोर वोर हो गया था, तो उसको आज घुमाने ले आ रहे हैं। घूमने वही वाली जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो जंगल वंगल पे, वही हमारे मतलब बेस्ट जगह है, तो वहाँ पास भी है, वैसे तो काफ़ी सारी जगह हैं लेकिन बेस्ट जगह वही है, तो वहाँ इसको घुमा लाते हैं। बाकी अभी मैंने नहाया वहाया भी नहीं है, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है यहाँ। सुबह उठ के बस मुँह धो के अभी चल दिए घूमने, फिर आज हल्द्वानी में निकलना है आज ही, क्योंकि वहाँ बहुत सारे काम वाम हैं सब निपटाने हैं, और अभी चल रहे हैं बस। ये हमारा है गांव का स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, यहीं पर हुए थे इस बार जावड़ा में टूर्नामेंट। मैं तो आ नहीं पाया था क्योंकि मैं शूट वगैरह बिजी था, और यहीं होता है टूर्नामेंट हमेशा ग्राउंड में, दिखाया था आपको ये है। और यहीं से आज हम खेत वाले रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से शॉर्ट है वो जंगल वाला रास्ता, तो क्योंकि आज जल्दी भी घर निकलना है तो इसलिए शॉर्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं। बाकी वहाँ जाके तो फिर व्यू आपको पता ही है कितना तगड़ा है, जिसने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे उसको पता ही है, काफ़ी मज़ा आता है। कि आप देख रहे होंगे सामने बुरांस के फूल, यहाँ ये मतलब पूरे जंगल में देखो आजकल बुरांस के फूल हो रखे हैं, आजकल सब ऊपर यहाँ वहाँ सब यहाँ बुरांस के फूल, मतलब ये काफ़ी हेल्थफुल होते हैं, इसका जूस भी बनता है, जिसको पता होगा जूस बनता है, इसकी मेडिसिन बनती हैं, मतलब काफ़ी हेल्दी होता है हमारे उसके लिए, बॉडी के लिए। बाकी अभी हम पहुँच चुके हैं अपने जंगल में, तौला मंदिर है यहाँ पर, तौला मंदिर पहुँच चुके हैं। बाकी चल रहे हैं आगे को, और देखिए यहाँ पर क्या व्यू है, मज़ा आ गया। अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनल लोकेशन पर, और वहाँ पर दूसरे गांव की औरतें आई हैं मिट्टी निकालने के लिए। यहाँ पर ये मिट्टी जो होती है इसकी पार्थी पूजा, मतलब पूजा पाठ का काम आती है मिट्टी, प्लस यहाँ पहाड़ में ना मतलब कि सीमेंट वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ मतलब मिट्टी का प्लस्तर होता है, उसके लिए भी काम आता है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे, और मंदिर में दर्शन कराते हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहा हूं, और मैं यहां लास्ट आया था मैं यहां पर तब बबू जी की बारसी पे आया था, तो चल रहे हैं मंदिर पे। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो पौंड है, पौंड के यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जिसने देखा होगा पहले उसको पता होगा। और यहाँ पर आप पूरा व्यू देखिए, क्या ही प्यारा व्यू है। और वैसे यहाँ नॉर्मली जाड़ों के टाइम पे पानी रहता नहीं है, बरसात के टाइम पे रहता है, लेकिन जो बीच में बारिश हुई थी उस चक्कर से मतलब पानी अच्छा खासा इकट्ठा हुआ है, बीच में बर्फ़ भी पड़ी थी ना, तो सब पिघल के सब पानी इकट्ठा ही हो गया होगा। बाबा रहा करते थे पहले, जो इस सब आपको दिख रहे हैं ना, ये पुरानी कुटिया जैसी यहाँ और ऊपर पे सब यहाँ पहले बाबा रहा करते थे, और अब तो यहाँ कोई रहता नहीं है। और ये हमारा है स्टेडियम, मिनी स्टेडियम, ग्रीन पार्क देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर अभी पेड़ गिर गया इसी रिसेंट, जब पिछले बार आए थे तब तो नहीं गिरा था। भाई लोग यहाँ बैठ के ही फ़ोन चला रहे हैं, देख लो कम कम बात। मुन्ना बड़ी कैसा लग रहा है आपको यहाँ का व्यू पहले बताओ? बढ़िया है, तो फिर आपकी एक दो रील बननी चाहिए यहाँ, बिल्कुल बननी चाहिए। तो अभी हमारे ऊपर सब्सक्राइबर भी आए थे, हमारे लोग मिट्टी निकालने, देखो सुरेंद्र भाई का ओम फो, ये देखो क्या कलाकारी है देखो। और गाइस हम पहले बचपन में छोटे थे, अभी तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया यहाँ पर, जब हम बहुत छोटे थे तब हम यहाँ पर नहाए, ओहो मुन्ना बेटी क्या चल रहा है, तो तब हम यहाँ पर नहाया करते थे, मतलब बचपन के वो दिन बड़े याद आते हैं। ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं, ये देखो ये बस हो गया। बाकी आजकल हमारे भाई साहब भी आए यहाँ पर, सैमसंग कंपनी में काम करते हैं भाई साहब, भाई मतलब कि सैमसंग में काम करता है अच्छा खासा, मतलब वेल सेटल्ड हो चुका है, हमारी एज का है तो वेल सेटल्ड हो चुका है। बाकी भाई ने वादा कराया कि तेरे को सैमसंग का मतलब एक अच्छा सा फ़ोन दिलाऊंगा, मतलब पैसे मैं दूंगा लेकिन ये मुझे अपने तरफ से इसको मिलता है ना, डिस्काउंट मिलता है सैमसंग कंपनी में जो काम करते हैं उनको सबको। बाकी ये परमानेंट एम्प्लॉय है सैमसंग में, बहुत बड़ी बात है, और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी हो चुकी है अब। बाकी हमारी एज में मतलब भाई सेटल हो चुका है, और हम यहाँ हेलो गाइस ही कर रहे हैं, भाई यहाँ सेटल हो चुका है। इसने एक फ़ोन दिलाया था वैसे मुझे क्या पापा को दिलाया था, वो भी डिस्काउंट में तगड़ा वाला, बहुत अच्छा बैठ गया था। अब एक अच्छा वाला सैमसंग का फ़ोन लिया जाएगा, प्रीमियम वाला, तो तब भाई को याद किया जाएगा कि हमें डिस्काउंट दिया जाए करके। बाकी आज हल्द्वानी भी निकलना है, मौसम देख के जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, नज़ारे इन्जॉय करते हुए, लेकिन आज जाना भी है क्योंकि मुन्ना बड़ी को भी काम है, और कल से मुझे भी एक दो काम है वो भी निपटाने हैं, घर में काम वहाँ है वो भी देखना है। यहाँ मेन हम शादी के लिए आए थे और थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए, बाकी मेरे ब्लॉग आए नहीं हैं, शायद कल से मेरे प्रॉपर ब्लॉग आएंगे। तो होप करता हूँ आपको मेरी जो
पहाड़ वाली सीरीज है ये अच्छी लग रही होगी। और आज हम हो सकेगा तो हम नैनीताल वाले रूट से आएंगे, नैनीताल वाले नहीं मतलब गेठिया वाले रूट से। भाई तू मेरे को मत मार दियो, ये देखो ये ओफो ये है हमारा स्टेडियम। बाकी आपको मैंने यहाँ पहले के व्लॉग व्लॉग दिखाए हैं, जिसने मेरे पुराने व्लॉग देखते होंगे उसको पता होगा कि यहाँ मैं आया हूँ। 2 महीने मैं पूरा ही रहता था लॉकडाउन में, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर सब रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। मुन्ना बड़ी कैसी लगी आपको लोकेशन, दिल से बताना। बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है ना, आप दिखाए दर्शकों को दिखाइए। तो अभी हम चल रहे हैं घर को, तैयार व्यार होते हैं, सीधे निकलते हैं अल्तानी को, क्योंकि अब आज तो पहुँचना ही है वहाँ। मन तो बिल्कुल नहीं आ जाने का, क्योंकि इतनी मस्त जगह है। मेरे संग एक बार विक्की भाई आए थे और अभी मुन्ना भी आया था, दोनों को ही बेस्ट लगी। विक्की भैया के तो बहुत ज़्यादा मन आई है, विक्की भैया तो बोले थे कि प्री वेडिंग भी करेंगे शायद अभी भैया की शादी अप्रैल में, तो देखते हैं हो सकेगा तो उनकी प्री वेडिंग यहीं करेंगे। ये है बुरांस का फूल, बाकी आपको मैं क्लोज से भी दिखा देता हूँ। ये है काफ़ी मतलब वैसे भी अच्छा है, और इसके मतलब जूस भी बनता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही, जूस भी बनता है, 2-4 चीज़ें भी बनती हैं, मेडिसिन वगैरह भी बनती हैं। इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते, सबसे मेन बात मैं आपको बताऊँ, इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो हमारे गांव में तो काफ़ी ज़्यादा होता है बुरांस, अभी उधर वाले जंगल में भी होता है, वाले जंगल में जाने का टाइम नहीं हुआ, वहाँ पूरा बांस का जंगल है, उसके बीच में तो बहुत सारे होते हैं, और यहाँ भी देखिए बहुत सारे होते हैं। गाइस अभी घूम के और अब हम आ चुके हैं हल्द्वानी को जाने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 2:00, तो हमें यहाँ से कम 3 घंटे लगेंगे। और आज हम सोच रहे हैं कि भीमताल की रास्ते से नहीं जाके गेठिया रास्ते जाएंगे, कब भीमताल में बिल्कुल आज गेठिया रास्ते आएंगे, तो वाला रास्ता दिखाने को वाले रास्ते जाऊँगा तुझे आपने। तो आज हम जाने वाले गेठिया रास्ते से, देखते हैं कि क्या मौसम रहता है। अभी मौसम भी थोड़ा ख़राब होने लग गया है, टाइम से निकल लेते हैं, तो वही पहुँचेंगे 5-5:30 बजे तक ही पहुँचेंगे, रुकते रखते जाएंगे, कोई जल्दबाजी वाला सीन है नहीं। अभी टाइम हो चुका है करेक्ट 4, और अभी हम पहुँचे हैं पायलट बाबा आश्रम पे, जो कि है गेठिया पे, और हम ऐसे यहाँ पर बजरंगबली के आगे बैठे थे, तो बहुत ठंडा लग गया था क्योंकि वाले से नीचे को आते कहाँ बहुत ठंडा हो गया था, तो यहाँ पर अभी थोड़ी धूप मिली थी हमें, तो थोड़ा धूप सेक रहे थे मुन्ना बड्डी और मैं, और अब यहाँ से ज़्यादा बचा नहीं है। और वैसे आज हम यहाँ की तरफ से आए गेठिया की तरफ से, तो यहाँ पर रोड सुनसान है, मतलब कि रोड पूरी खाली है, और रोड भी अच्छी हैं, तो ठीक हो रहा है यहाँ को। वहाँ की तरफ से तो बहुत ज़्यादा रश होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ की तरफ से बढ़िया है, रोड भी काफ़ी अच्छी है, भीमताल वाली से काफ़ी अच्छी रोड है। बाकी अब यहाँ से हमें 1 घंटा और लगेगा शायद से, वही हम 5 बजे करीब पहुँच पाएंगे घर, तो अभी चलते हैं और आपको अब घर जाके मिलते हैं डायरेक्ट। अभी टाइम हो रहा है 5:00 और अभी हम घर पहुँच चुके हैं, और अभी मैं आया था अपने ऊपर वाले रूम पे, और आज यहाँ पूरी लाइट की फिटिंग हो चुकी है, बस अब यहाँ बची है पानी की फिटिंग, फिर यहाँ प्लस्तर शुरू, फिर सब काम मतलब होते रहेंगे। बाकी अभी देखते हैं कुछ खाने का मन है, कुछ खाते हैं फास्ट फूड वगैरह, क्योंकि सुबह ही खाया था, उसके बाद से कुछ खाया भाई नहीं, तो भूख लगी है, इसका चलेंगे बाहर खाने। गाइस अभी हम आए थे कुसुमखेड़ा पे, बाकी आज हम सब स्कूल के दोस्त मिले हैं साथ में, सबसे पहले आर्मी वाले भैया, अरे आर्मी ड्यू बॉय प्रदीप कुसारी, यद्दा यतीश भाई, यद्दा कार्ती भाई, रचना, किरण, आज बहुत टाइम बाद मिले हैं सब, हम एक साल बाद मिल रहा हूँ सबसे, बाकी पारो से तो मिला था रिसेंटली, इससे भी यतीश से भी, इससे भी, इन दोनों से बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा आप इन्जॉय करते हैं बैठ के, बाकी फिर घर चलना है, घर से कॉल भी आ गया है। बाकी और सब बढ़िया, ये रचना, ये कार्तिक, ये यतीश, ये हिमांशु, ये प्रदीप, और ये मैं, पार्टी हो रही है, और ये मैं, पार्टी हो रही है, देखो हमारी पार्टी हो रही है। हेलो हेलो सर जी, नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, पहचाना सर है, सर बिजी लग रहे हो बड़ा, हाँ थोड़ी कहीं गया हूँ ना, फंक्शन में गया हूँ, फंक्शन में। ये बोल रहा है नैनीताल वाला ये पागल, सर कार्तिक बेस्ट, हाँ उस समय में बुरा लगता, लेकिन आज मेरा चल रहा है, मैं मुलाकात का अहमियत, वी लव यू सर, वी लव यू, कार्तिक बोल रहा हूँ सर, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे, पाँव बहुत छूने आपके। ठीक है सर, सर आई लव यू सर, अपने घर को जाने लग गए हैं, बाय 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 बाय, अबे स्कूटी स्टार्ट कर ही जा रही है, चलो बाय कदा बाय, मुझे घर छोड़ दो, एक दिन यार बस एक जना घर छोड़ दो मुझे, अबे हम भी तो पैदल हैं, हो रहा है इसे, अरे इसको मैं घर नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग छोड़ो, जो सब्सक्राइबर्स का मेन है, हेलो हेलो ये डाल देना, ये लाइक शेयर कमेंट यार भाई को प्लीज यार, बहुत जल्दी दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है इसके बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30,
बाकी कल शाम को सब दोस्तों से मिल के आए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सब स्कूल के दोस्त थे तो बहुत टाइम बाद मिले, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अभी बस जस्ट उठ रहा हूँ और उठ के सीधे सबसे पहले ब्लॉग ही कर रहा हूँ, तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड अप करते हैं। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी क्या है, बाकी मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। बाय बाय।